मैंने सोचा आमना आ गई है, आमना आ गई है। आयशा बहुत अच्छी है, मैं तारीफ कर देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी है। आमना भी बहुत अच्छी है, मतलब कि उसकी शक्ल होती है, उसका टेस्ट होता है, वो ख़राब हो जाता है, रबड़ सा बन जाता है वो, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा होगा आपका अंडा ख़राब नहीं होगा। अनारी हूँ मैं अभी, अनारी टूट रहा है यार, बिलाल को हमेशा ही होता टूट ना जाए। लेकिन क्या फ़ायदा, आप अपने आप को पता होना चाहिए कि बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल। मैं हूँ आयशा। तो आज आपको वेलकम करते हैं लाइव विद बिलाल यूट्यूब चैनल में। तो आज क्या बन रहा है? आज कुछ स्पेशल बन रहा है, इतना स्पेशल के बस मुंह में पानी आ जाएगा। बिलाल का फेवरेट, मेरा भी फेवरेट है, और यकीनन आप लोगों का भी, आप सब लोगों का फेवरेट होगा। और आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर बन रहा है। इंस्टा पे जब मैंने स्टोरी डाली ब्रेकफास्ट की, तो चिकन चीज ऑमलेट बनाया आमना ने, तो सबने कहा आयशा आप ना इसकी रेसिपी दे। तो मैंने कहा बिलाल क्यों तुम बनाओ ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन चीज ऑमलेट बनाना। तो उसके लिए जो चीजें चाहिए, तो आयशा ये साइड पर ये मोबाइल कैमरे के जरिए बताएगी, मोबाइल के इस तरह मैं पकड़ लेता हूँ, अभी टाइम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो चिकन चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें अंडे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दो अंडे लिए हैं, आप चाहे चार लें, छः लें, जितनी आपकी मर्जी। बिलाल ने दो लिए। उसके बाद यहाँ पर हम प्याज लेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ, हाफ से थोड़ा कम, आप चाहे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। नहीं ज़्यादा डालेंगे तो ख़राब होगा, अगर कम डालेंगे फिर ख़राब नहीं होगा। हाँ इसी तरह टमाटर भी लूँगा मैं, हाफ काट लें चलें। ये दरमियानी साइज़ की ये है प्याज, इसको हाफ डालेंगे। ये टमाटर है, और इसके अलावा ये शिमला मिर्च है, ये भी हाफ जाएगी इसमें। आप इस तरह अंदाज़ा काट लें कि अगर आपके चार अंडे हैं तो आप इसमें मतलब कि पूरा डाल लें, अगर आपके दो अंडे हैं तो हाफ डाल लें। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ थोड़ा सा, इतना थोड़ा थोड़ा सा चिकन लिया है, छोटी छोटी सी बोटियाँ, हाँ क्यूब्स नहीं आएंगे, छोटी छोटी सी बोटियाँ ऐसी हैं, थोड़ी सी तकरीबन दो बोटियों की होगी या एक दो बोटियों की। हाँ उसके क्यूब्स किए थे, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ 1/4 कप ग्रेट किया हुआ। तो अगर आप चाहे चैटर भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा भी, हाँ ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो होता है काली मिर्च का पाउडर और नमक हसबे ज़रूरत, और इसके अलावा ऑयल भी डालेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। सब्जियों की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं, तो इसके लिए नाइफ़ की ज़रूरत होगी, तो आयशा नाइफ लेके आएगी। और यहाँ पर हम कटिंग बोर्ड को इस साइड पर कर देते हैं, और आयशा का काम है ये पकड़ना। मैं बिलाल की हेल्प करने के लिए हूँ। हाँ, और वैसे भी लोगों ने कहा आयशा का बहुत मजा आया हमें। हाँ, ये ध्यान से, एक मिनट, ये नहीं, इसको ध्यान से पकड़ना है, इस तरह हाँ इस तरह से समझ। तो मैं इस वीडियो में बिलाल की हेल्प क्या करूँगी, ये बिल्कुल इतना आएगा, इसको भी माफ करो। नहीं इतना इतना कम नहीं डालना, इतना ठीक है, ये हाफ से थोड़ा सा कम है, ठीक है, हाँ आपसे थोड़ा सा काम है। चलो भी उतर गए। छोटा छोटा करना, चॉप करना बिल्कुल छोटा छोटा। तो इसको इस तरह से ना चारों हिस्सों में पहले काट लूँगा, अब इसको मैं यहाँ से पकड़ूँगा, और बिरयानी में भी काटा था, मैंने मुश्किल का बता दो, हाथ से लग गया, कोई नहीं, रोना आ रहा है मुझे। जितना छोटा प्याज कटा होगा उतना ही ज़बरदस्त हमारा ऑमलेट बनेगा, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा प्याज कटा होगा तो मुंह में आएगा तो अजीब सा फील होगा, तो इसलिए आप जो है ना वो छोटा कर। इसको हम साइड पर कर देते हैं। ये देखिए
टमाटर की हालत कैसी है ये देखें, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। नहीं ना, मार्केट में है ही नहीं सही, अजीब सा टमाटर आ रहा है आजकल। मैं तो नहीं गई वेजिटेबल्स, इससे मुझे पसंद नहीं। ऊपर से महंगा भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत हो गई है। तो इसको भी हम हाफ काटेंगे, और हाफ कहाँ जाएगा है? हाफ कल ऑमलेट बना लेंगे फिर ब्रेकफास्ट में। ठीक, बीज तो है ही नहीं इसके लिए, जूस ही नहीं है, रहने दो, बीज तो है ही नहीं इसके, नहीं बीज नहीं है इसके अंदर, अजीब सा टमाटर। देखिए कैसे कटिंग करता है बिलाल टमाटर की। बिलाल का तो बस यही काम होता है, मुझे चीज़ वाला ऑमलेट बना दो हमेशा, चाहे डिनर में हो चाहे लंच में हो, क्या पसंद है, चिकन चीज ऑमलेट। बस बहुत ज़्यादा हो गया, बस कीमा बना दिया तुमने। चलो कोई नहीं, इसको सर्व कर सकते हैं। अब भाई बारी शिमला मिर्च की, जो आप अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह इस चीज़ों में यूज़ इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी एक पिज़्ज़ा के टाइप है, चीज़ भी ऑमलेट भी इस तरह, चिकन भी, ये भी ज़रा हाफ से कम इतनी सी, ठीक है। इसकी हाँ ये तो लाजमी है, ये टमाटर में बीज थे ही नहीं, ना उसका जूस था ज़्यादा, लाया कौन था टमाटर, नहीं मिलती ऐसे आजकल मार्केट में, ये मिल गया बहुत बात है, वरना तो कुछ भी नहीं मिलता आजकल। आज लाल का मूड मजाक नहीं कर रहा, आज मजाक मूड नहीं है, बस हालात ही कुछ ऐसे हैं। बिलाल का शॉपिंग भी लोग देखा होगा, अभी तक बिलाल ने शॉपिंग नहीं की। नहीं की मैंने शॉपिंग, क्योंकि जो इसने ऑनलाइन ऑर्डर देना था वो साइज ही नहीं था इसका। ये आयशा बार बार कह रही साइज नहीं सही, आप लोग समझ रहे इतना मोटा है बिलाल के, इसका साइज नहीं है। सारे मोटे साइज हैं। हाँ। जो इसको पसंद था एक सूट तो वो उसका साइज नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है बेचारा। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको कौन से ब्रांड का सूट खरीदना चाहिए बताएं, बताएं जल्दी बताएं, और कलर बताएं बिलाल कौन सा सूट, अभी बताएं इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके, अभी बताएं, अभी बताएं, बस करो इतना भी ना। तो यहाँ पर तीनों चीजों की कटिंग हो चुकी है, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च, तो इन चीज़ों को साइड पर करते हैं और गंद को फेंक देते हैं डस्टबिन में, और हैंड को वॉश कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जो मुश्किल काम है, हरी मिर्च, हाँ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च जो है ना अवेलेबल नहीं थी इस टाइम, तो वक़्त पर मालूम हुआ कि वो नहीं है, जितनी थी वो खाने में डल गई, तो कोई बात नहीं। अब इसके अलावा जो चीज़ लास्ट में डलेगा, और ये चिकन के क्यूब्स हैं, इनको भी छोटे छोटे काट लेते हैं, क्योंकि नहीं इतना नहीं, वो भी नहीं, वो कीमा बन जाएगा, चिकन नजर आना चाहिए नाम में, रेसिपी का चिकन चीज ऑमलेट तो चिकन को नजर आना चाहिए। चलो ठीक है, आयशा की बात मान लेते हैं। अच्छा आप इसमें मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं ब्लैक पेपर के साथ, ब्लैक पेपर, मिक्स हर्ब, ओरिगैनो और थाइम जो हम पिज्जे में डालते हैं इस तरह के। बस अभी तो स्टार्ट करते हैं ना, अभी बस तो इसको ऑफ करते हैं। अब अंडों को फेंट लेना, अंडों को फेंटने के लिए एक बाउल चाहिए बहुत बड़ा, ये छोटा नहीं, हाँ ये बड़ा, ये इतना है बाउल, ये बाउल है, ये पकड़ो मैं चिल्ली खाऊं, सारी प्याज वगैरह इसको फेंक दो, फ्रिज में फेंक दो, गलती से मुंह से निकल गया ये चिकन, इसको भी साइड में कर देते हैं। अंडे टूटने लगे थे, अंडे को नहीं अंडों को, हाँ अंडों को, तो लो भी गए अंडे गए इसमें, रिस्क से पहले इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह करो आयशा, इस तरह, हाँ इस तरह, ये ऐसे ही कर लो बस, गलत कर दिया ये, फिलहाल ऐसे कर लो, फिलहाल जितना एक्सपीरियंस, बस ठीक है, बस अब ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत, तो दो, हाँ दो अंडों के लिए हम इसमें तकरीबन आप डाल लें 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून नहीं 1/4 टीस्पून कह रहा हूँ ना मैं, यहाँ अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून, ठीक है 1/2 टीस्पून बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बस ठीक है 1/2 टीस्पून के 1/4,
बस ठीक है इतना। बस बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, वो जो सब्जी में डालनी है और चीज भी। हाँ सब्जी में डालनी है, ज्यादा डलेगा। इतना भी नहीं, बस कर दो इसको, तो बहुत पसंद है नमक। बस बस, तो इसके अलावा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। कुटी लाल मिर्च भी डाल लो, मैं लेके आती हूँ। हाँ वो भी ले आओ, एक मिनट ठहरो पहले वीडियो बनने दो। काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च डालें कि नहीं? मैं कह रहा हूँ नमक कम है, पिछली बार भी इसने ऐसे किया है बिरयानी में। चलो ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। हाँ डालनी है, जाओ लेके आओ, लेके आओ, ये लो पकड़ो। अच्छा इसमें हम ये डालेंगे तकरीबन थोड़ी सी डालेंगे, इतनी बस ठीक है, 1/4 टीस्पून ही डालेंगे हम इसमें। इसको साइड पर कर देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, मिक्स नहीं करेंगे, विस्क करेंगे या बीट करेंगे, अगर आपके पास बीटर है बीट से, बीटर से कर लें। अगर कुछ भी नहीं है तो चम्मच से भी कर सकते हैं। अच्छा बिलाल कुछ पूछना था मैंने। पूछो पूछो। आपकी वीडियो आई थी जो बिरयानी वाली, शॉपिंग वाली, सब कमेंट्स करते हैं बिलाल भाई बहुत अच्छे हैं और बिलाल जैसा भाई सबको मिले, क्या कहते हैं उस बारे में? थैंक यू, थैंक यू, आपने आपका प्यार आप अच्छा समझते हैं। बिलाल बहुत अच्छा है मुझे, वाकई बिलाल बहुत अच्छा है, एक बहन ही बता सकती है उसका भाई कैसा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा हूँ। मुझे तो लगता है बहुत अच्छा, पर थोड़ी अब अगर गुस्सा भी आ जाए ऐसी किसी बात पर थोड़ी देर में ठीक हो जाए। पहले बात कर लो, बाद में इसकी आवाज शोर इसका ज्यादा है। अच्छा ठीक है, पहले इसको कर लो। अच्छा बिलाल सब आपकी तरीफें करते हैं, कभी आप अपनी बहनों की तरीफें नहीं की। अच्छा ठीक है, करते हैं अभी पहले ये अंडे जो है ना ये बीट हो चुके हैं, अब इसमें आप इसमें सब्जियां डाल देंगे, टमाटर और शिमला मिर्च ऐड करते हैं। हाथ से डालूं कोई चीज लेके आओ? हाँ से डाल लो, ऐसे करके। अच्छा ऐसे 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 पकड़ो, ओए ना ऐसे इसको ऐसे पकड़ के, बस आती है ऐसे, बस ऐसे। पहले वो तो गर्म करने के लिए रखना था, पैन रखते हैं, मैं रखूं? मोबाइल पकड़ा हुआ है मैंने, मोबाइल अब छोड़ दो, आप मोबाइल काम करो। मिक्स करो, चिकन भी ऐड करो। चिकन भी ऐड करेंगे हम इसमें, चिकन की इसमें बोटियां ज्यादा ही बड़ी रख दी हैं। मुझे अच्छा तो चिकन नजर आया, चिकन चीज ऑमलेट लगे जब पिक्चर उसकी ली जाए था हम मिल के लिए। तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे ठीक है, हाथ पे लगा हुआ चिकन, चिकन चिकन हो गया। अच्छा अब इसको मिक्स कर लेते हैं। बिलाल को चिकन बहुत पसंद है, कभी कभी कहता है इतना चिकन, हर चिकन, हर दफा चिकन 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 जाता है। चिकन भी अंडा भी चिकन का, तो पसंद भी और साथ जानबूझ के कहता है मुझे पसंद नहीं है। अच्छा चलो मिक्स हो गया, खराब ना हो जाए अंडा, इसको जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो चुका है, तो मैं हैंड वॉश कर लूँ पीछे जो तुम्हारी आवाज आ नहीं रही होगी, वहाँ माइक मेरे पास है। मुझे भी पता होता है, लेकिन इसलिए तो मैंने मेरी बात सुनो। मैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर फ्लेम ऑन करेंगे, तो यहाँ पर फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो, और इसको पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे। इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे साथ ही, ताकि ऑयल गर्म हो। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का ऑयल गर्म नहीं होता, तो उसी टाइम वो उसमें अंडा ऑमलेट के लिए अंडा डाल देते हैं, तो वो फिर अंडे का जो उसकी मतलब कि उसकी शक्ल होती है, उसका टेस्ट होता है, वो ख़राब हो जाता है, रबड़ सा बन जाता है वो। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ऑयल कम नहीं डालते अंडे में, हमेशा ऑयल आप ज़्यादा डालें, उतना भी ना डालते, ज़्यादा होना चाहिए कम, मेरा मतलब कि कम ना हो, अगर ज़्यादा होगा आपका अंडा ख़राब नहीं होगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल दें, तो इसको मैंने डाल दिया इस तरह। तो चीज़ का पैकेट तो बिल अच्छा नया नहीं है, खोला हुआ है, तो छोटे से ग्रेटर से हम इसको ग्रेट करेंगे इस तरह। थोड़ा क्लोज दूर लेके जाओ ऐसा, नज़र आए ना मेरा हैंड भी, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। आप कहते होंगे बिलाल मोटा कितना चीज़ खाता है, इसलिए मोटा है। मैं साइड पर कर दूँ, जाली में जाए कहीं, अनारी हूँ मैं अभी, अनारी। चलो चीज़ हमने डाल दिया, इसको कवर करके बंद करके दोबारा इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो अब यहाँ पर इसको लेके आते हैं, इसकी साइड चेंज करें, इसकी साइड चेंज करते हैं, साइड इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करेंगे, हाफ फोल्ड, जैसे हाफ मून नहीं होता, हाफ मून, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है अभी। सबके
आपके ऑमलेट टूट जाते हैं हमेशा ही, पता नहीं आप बिलाल का टूटता कि नहीं। बिस्मिल्लाह रखना, चुप 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 शौकी नमाज, अभी मेरा टूट जाना है, लग रहा है मुझे टूट जाना है। खैर एक मिनट सब्र लो, इसको ऐसे से कर, हाँ ठीक है, ऐसे से काट लें, इसका मतलब है नीचे से चिपका नहीं हुआ ये। हाँ। तो अब टूट रहा है यार ये बिलाल को, हमेशा ही टूट ना जाए। मैं इधर खोला, क्या हो गया ये? दो चीजों चम्मच से होना चाहिए, ऐसे नहीं होता, हो जाएगा इधर से ऐसे। हाँ। ये आयशा मुझे मरवाएगी। उधर करके हो जाएगा। ये देखा ना टूट जाएगा, कैसे हो जाएगा? दो चम्मच होते हैं, क्या हो गया तुम्हें? एक चम्मच से कैसे हो सकता फोन? मैं करूँ? ये लो, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, ये लो। तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे तो हमारा चिकन चीज ऑमलेट रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो मैं प्लेट लेके आती हूँ। आयशा प्लेट लेके आएगी और बाकी सामान मैं वहां रख दूं। रखो जल्दी, रखो, वो भी पकड़ो मुझे, ये नहीं, ये चलो वहां से जाके रिकॉर्डिंग करो। तो आप सोच रहे होंगे ये टूटा हुआ है ऑमलेट थोड़ा सा, तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं साइड, इसके साइड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा है? आप अपने आपको पता होना चाहिए कि बिलाल करो कैसा है ये साइड पे कलर कैसा है, मैं देखना चाहती हूं। बिस्मिल्लाह क्या करो। हां अब इसकी आपको मैं दिखा रहा हूँ कटिंग करके, जो चीज इस तरह निकलेगा, मेल्ट होगा चीज का, ये देखें। वाह, पूरा कटिंग करना है, ये देखें है चीज, ये देखो चीज है, ये देखें वाह है, ये देखें। बस मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसने ना जो वो चीजें डाली है ना सब्जियां, वो जरा ज्यादा थी, मैं उसे कह रही थी काम करो। तो आप आयशा करेगी टेस्ट? नहीं नहीं इस बार बिलाल टेस्ट करेगा। नहीं, मैंने मैंने तो खुद बनाया है, मैंने तो खुद बनाया, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, टूट गया वो। अच्छा तो आयशा टेस्ट करने लगी है। खाती जाएगी बोलेगी तो ना, बोले जबरदस्त बने, सही कह रही, इतना जबरदस्त बने, बिल्कुल ठीक जैसा मैं चाहती हूँ। चीज भी आ रहा है, चिकन भी आ रहा है, वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, एक साथ टेस्ट आ रहा है सब चीजों का। टूटा क्यों है? तुम्हारी वजह से टूटा। इसमें क्या यहाँ से करो, इसमें क्या है? लेट हो गया, इसने रख दिया हुआ था तो सब्जियां पानी छोड़ देती है, शूट में लेट हो गया था, पैन निकालते निकालते इसलिए ऐसा हो गया। चलो खाने के काबिल तो है ना, हमने कौन सा पूरा पूरा साबुत जो है अंदर ले जाना है खाने के लिए। इतना मजेदार बिलाल की हर चीज मुझे अच्छी लगती है, जो उसने बिरयानी बनाई थी वो भी मैंने कहा था जबरदस्त है, ये भी बिलाल टेस्ट करेगा वो अच्छा। मैंने क्या टेस्ट करना है अपनी चीज? नमक तेज है थोड़ा सा, मेरे लिए तेज है। बिलाल देखते हैं क्या बिलाल को कैसा लगता है, मुझे कैसा लगता है, क्योंकि बिलाल सच बोलता है। मैं सच बोलता हूँ, बाकी सब झूठ बोलते हैं, आयशा झूठ बोलती है, इसका मतलब है, मेरा मतलब कि अपने खुद की चीज को अच्छा कहना या बुरा कहना, बिलाल सच बताएगा। मैं सच बताऊंगा इंशाल्लाह। बिरयानी का इसने कहा था नमक कम है, ठीक है ठीक है, देखो चीज चीजी है, ये ना कहीं चीजी नहीं है, ये देखें सच सच, क्यों अपनी तारीफ ज्यादा करता नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ सच बताएगा। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट, इसका मतलब बिलाल तो बहुत बड़ा शेफ बन सकता है, क्योंकि बिरयानी में मैंने आपको बताया था कि नमक कम है, तो मेरे लिए नमक ज्यादा है पर बिलाल के लिए बिल्कुल नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मिर्चें भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, अंडा भी बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ये बिल्कुल खराबी क्या, ये गोल्डन ब्राउन कलर का जबरदस्त किस्म का, खराबी तो मुझे कोई नजर नहीं, खराबी बस ये है कि वो डेकोरेशन में थोड़ा सा वो टूट गया है। अच्छा मैं अब इसकी मिस्टेक आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, इसकी सिर्फ एक ही मिस्टेक है कि ये जो ऑमलेट है ना वो डिश आउट करते वक्त थोड़ा सा फट गया था साइड से, ऑमलेट टूट गया था निकालते टाइम, लेकिन इसमें तो कोई इशू नहीं क्योंकि आपने साबुत जो ऑमलेट है अंदर तो ना लेके जाना पेट के, थोड़ा थोड़ा सा बाइट ले लेके खाना है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन लेकिन बिल्कुल परफेक्ट ये कुक हुआ है और इसका नमक मिर्च हर सब सब कुछ परफेक्ट है। मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा, एक नंबर मैंने टूटने का काटा है। आयशा कितना नंबर देगी? आयशा भी 10 में से 9 देगी, टूटा इसलिए है कि आयशा सच्ची है इसका मतलब, पिछली बार ये 10 में से 10 नंबर दिए। नमक मुझे भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे लिए बेटर है नमक, पर मेरे लिए ज्यादा थोड़ा सा, पर टूटा इसलिए कि इसका मटेरियल ज्यादा है, अंडे कम है, एक अंडा होना चाहिए, फिर इसका मतलब 2 नंबर काटने चाहिए। अच्छा और एक बात, अच्छा एक मिनट, आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताएंगे आप मुझे 10 में से कितने नंबर देंगे, ठीक है? अब आयशा को बोलने दो, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे लोग बहुत, छोड़ दो मुझे इंस्टा पे, एक मिनट
इसका काम खत्म हो गया। जब चिकन चीज ऑमलेट में रोज बनता है हमारे घर में ब्रेकफास्ट में, तो हमेशा मुझे कमेंट्स, रोज नहीं बनता, कभी कभार एक दिन छोड़ के एक दिन बनता है। लोग मुझे कहते तुम तंग नहीं आती, तंग नहीं आती, मैं नहीं आती तंग। इसका मतलब अकेले के लिए खा लेती हैं, मुझे नहीं शेयर करती। मैं सुबह सुबह खा लेता हूँ, कभी कभी मैं रस खा लेता हूँ, कभी मैं ब्रेड और ऑमलेट खा लेता हूँ सिंपल सा, तो ये लेट खाती हैं। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आयशा आप लोगों का ऑमलेट क्यों नहीं आज टूट गया, आपने देख लिया, आपको खुश करने के लिए तोड़ा मैंने। फिलहाल ने बनाया जो डेली मैं स्टोरीज लगाती हूँ वो तो आमला और मैं बना रहे होते हैं। आमला का ऑमलेट नहीं टूटता, नेक्स्ट टाइम मेरा भी नहीं टूटेगा, क्योंकि आमला को एक्सपीरियंस है, उससे ऑमलेट बिल्कुल ठीक निकलता है, स्ट्रेट सीधा। शुरू शुरू में उसका भी टूटा ही होगा कभी जिंदगी में, वो टूट जाता था कभी कभी, कभी कभी अभी भी टूट सकता है। तो मुझे ये आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आता नहीं बनाना, बिलाल को भी आता है, बिलाल नेक्स्ट टाइम कौन सा ऑमलेट लेकिन आमना तो सीनियर है ना, वो तो नेक्स्ट टाइम ऑमलेट बनाएगा, पोटैटो ऑमलेट नहीं बनाता ऑमलेट। अब शॉपिंग, अब शॉपिंग, अब शॉपिंग करेगा, ठीक है। आप लोग इसे कहें कि शॉपिंग करे, कर नहीं रहा, कहता नहीं मैंने क्या करना करके, मैंने क्या करना करके, मैंने सोचा आमना आ गई है, आमना आ गई है, तो आप ना किस ब्रांड, मजा तो भाई आमना सामने आई इस हालत में। मैं सब लोगों से कहती हूँ कि बिलाल को बताओ कि कौन से ब्रांड का सूट ले वो, दो सूट्स लेने हैं इसने, एक रिसेप्शन के लिए, एक बारात के लिए, तो आप लोग बताएं इसे किस ब्रांड का लेना है, जिसे समझ नहीं आ रही, डेली बैठा रहता है, देखता हूँ मैं आपको, मैं आपको बताता हूँ इसलिए आप, आपसे ब्रांड का पूछ लिया आपने, पता नहीं बाहर के मुल्क के कौन कौन से ब्रांड बता देने हैं। मैं इसने पिछले भी लोग में पूछा कौन सी गाड़ी ले, आपने मर्सिडीज, पता नहीं कौन कौन सी, उसके नाम भी मुझे नहीं आते, पाकिस्तान में है भी नहीं वो, इतनी महंगी गाड़ियों के आपने बताया। आप जरा हाथ अपना हल्का रखे, तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने सच्ची बात भी की है, मतलब कि जो जितना हाँ जितना बजट है उसके मुताबिक भी बताया, लेकिन बहुत कम लोगों ने, ज्यादा लोगों ने ऊंची छोड़ी है ऊंची, तो बस। और बिलाल को बताएं आप कि उसको कौन सा कलर लेना चाहिए, ब्लैक, उन बेचारों को क्या पता हो, बिलाल को क्या सूट करेगा ज्यादा, उसे समझ ही नहीं आ रही। मुझे कहना है इसको व्हाइट सूट करेगा जो पहनना है, क्या करोगे, व्हाइट मुझे सूट नहीं करता। अच्छा मैं इस टाइम मैंने वैसे ही आयशा के कहने पर पहन लिया, आयशा ने कहा कि आप व्हाइट पहनो, मैंने कभी नहीं पहनी, इसने यानी कि मैंने शॉपिंग की थी साथ इस कलर की भी शर्ट आ गई थी, हाँ मतलब ये आ गई थी मिस्टेक से, आ गई थी गलती से, हमने ऑर्डर किया था तो मैंने कभी नहीं पहनी, आयशा ने कहा कि आज पहनो ये जाया हो जाएगी। व्हाइट कलर पहनना चाहिए, बुरा तो नहीं होता, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ये सब कलर अच्छे होते हैं। ठीक है, आप और भी कुछ बताऊं? बस बस बताओ, एक और बात बतानी थी, बता दो। मैंने पूछा था, हर वक्त हम भी तारीफ करती हैं, आयशा बहुत अच्छी है, मैं तारीफ कर देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी है, आमना भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, थैंक यू, थैंक यू। दोनों बहनें इसकी तारीफें करते हैं, बिलाल ये है, बिलाल ये, कभी इसने नहीं कहा कि हम मेरी बहनें क्या हैं, क्या कहूँ मैं, कह तो दिया थैंक यू, बहुत अच्छी, बहुत सब कमर से भी लोग यही कहते हैं, बिलाल जैसा भाई मिले, सबको मिले, बहने कभी नहीं कहा, कहा काफी बार कहा हुआ है, आमना को नहीं कहते, अच्छा आमना, आमना काश मेरी बहन होती है, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं आप लोगों के। अच्छा ठीक है, मैंने नहीं पढ़े। आयशा के लिए भी आते हैं जब से इसे इंस्टाग्राम स्टार्ट किया हुआ है, आयशा के लिए। प्लीज बिलाल के इंस्टा को भी फॉलो करें आप, मैं मेरी बात सुने, उनकी गलती नहीं है, मैं शेयर करूंगा तो वो बेचारे करेंगे ना मुझे फॉलो, एक चीज में शेयर नहीं करता, मैं एक्टिव ही नहीं हूँ, वो क्यों मुझे फॉलो करें, मैं इस बात से नहीं करता कि अगर मैं एक चीज़ लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा, एक डिलीवर नहीं कर रहा आपको कुछ, तो मैं आपसे ये डिमांड करूँ मुझे फॉलो करो, ये तो फिर इंसाफ नहीं होगा। जिस चीज़ को डिलीवर करो उस उसके मुताबिक लोगों से मांगो, मुझे फॉलो करो। स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोग कहते हैं ये क्या दिखाती रहती हो सारा दिन, अब मैं क्या करूँ बिलाल। आयशा का हक है, वो आपको कह सकती है कि मुझे फॉलो करो, क्योंकि वो एक एक चीज दिखाती है जो आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलती। लोगों को नहीं पसंद, कुछ लोग कहते हैं आयशा में डेली रूटीन, कुछ लोग ही होते हैं, मैं क्या करूं फिर, कुछ लोग कुछ ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो चलिए बस इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चिकन चीज वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और लाइव भी दावदा करो, लाइव भी बिलाल को सब्सक्राइब करें और आयशा के इंस्टा को फॉलो करें ये आईडी, और बिलाल का भी करें, मेरा करने की आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको कहता नहीं, तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।